मैं तो बहुत लंबे टाइम से उनका इंतजार कर रहा था कि बीजेपी में आए क्यों नहीं अब तक, क्योंकि इस प्रकार की बातें रह के कांग्रेस में नहीं रह सकता कोई। मैं पहले भी हैरान था कि ये आदमी कांग्रेस में है कैसे, या तो कांग्रेस छोड़ते जा रहे जो कांग्रेस में वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि नेतृत्व को अब नया व्यक्ति देखना चाहिए, एक ही व्यक्ति सारे टाइम नहीं काम कर सकता। पार्टी उनको शामिल करना चाहती थी लेकिन वो शामिल नहीं हुए, लेकिन वो पार्टी के साथ हैं और बड़ी मजबूती के साथ पार्टी के साथ। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है, मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हरियाणा के कृषि पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुज्जर जी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। गुज्जर साहब स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद जी। गुज्जर साहब, जिस प्रकार से अब लोकसभा के चुनावों का बिगुल बज चुका है, लगभग बीजेपी ने 10 की 10 सीटों पर लोकसभा के कैंडिडेट्स उतार दिए, नवीन जिंदल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के नेता हैं वो कह रहे हैं कि जो बीजेपी के पास उम्मीदवार नहीं है, कमी है, इसीलिए वो कांग्रेस के लोगों को माइग्रेट करवा रहे हैं। देखिए, हमने कभी नहीं ये कहा कि भाई किसी दूसरी पार्टी के व्यक्ति को हम अपनी पार्टी में लेने गए। अगर दूसरी पार्टी में जो काम कर रहा व्यक्ति, अगर वो हमारी नीतियों में विश्वास रखता है तो हमारे साथ आ सकता है। तो ये तो उनकी कमजोरी है, उनके नेतृत्व की कमजोरी है कि उनके लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कोई भी योग्य व्यक्ति है तो लेने में क्या रजा, हमने ले लिया। जिस प्रकार से लोकसभा चुनावों के दृष्टिगत भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि वो क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं इसलिए चुनाव में नहीं उतरना चाहते। शैलजा और जो सुरजेवाला हैं उनको कहा है कि उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने चाहिए। देखिए, ज़्यादातर लोग जो कांग्रेस के हैं वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते, और मैं समझता हूँ इसका कारण जो है कांग्रेस की स्थिति है, क्योंकि लोगों को कोई भविष्य नज़र नहीं आ रहा, या तो कांग्रेस छोड़ते जा रहे जो कांग्रेस में वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। तो मैं समझता हूँ कि ये कांग्रेस में हताशा की स्थिति है, निराशा की स्थिति है। हरियाणा में 10 सीटें लोकसभा की, कितनी की जीत का दावा आप करेंगे? नहीं देखिए, हमारा दावा तो है हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। पिछली बार भी मैंने 10 की 10 सीटें जीती थी, अब की बार भी 10 की 10 सीटें जीतेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद करनाल से चुनाव मैदान में है, कैसे देखते हैं सारे राजनीतिक हिसाब से? देखिए, पिछली बार भी बहुत बड़े मार्जिन से वो सीट जीतती थी, और इसकी इस बार भी उससे भी ज्यादा बड़े मार्जिन से उसी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस ही ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जिस सीट पर कभी भजनलाल और कभी सुषमा स्वराज जैसी हस्तियां लगातार चुनाव हारी हों तो ये सीट चुनौतीपूर्ण हो सकती है? नहीं देखिए, कोई चुनौतीपूर्ण नहीं। अब जिस प्रकार से मनोहर लाल जी ने बिना किसी भेदभाव के डेवलपमेंट किया, और जो एक दाग हरियाणा के ऊपर था कि यहाँ जो नौकरी है वो या तो सिफारिश से मिलती है या पैसे से मिलती है, तो उसको सारे को समाप्त करके एक विश्वास कायम किया कि योग्यता के आधार पर सारे काम होते हैं, तो मैं समझता हूँ उसका लाभ निश्चित तौर से मिलेगा। इसके अलावा अगर जिक्र किया जाए आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी के प्रमुख चेहरा हैं अरविंद केजरीवाल, वो जेल के सलाखों के पीछे हैं, और उनकी धर्मपत्नी के बयान आ रहे हैं कि जो जेल से सरकार चला रहे हैं, दिल्ली की सरकार जो जेल के अंदर से चल रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी जब बनी थी तो बड़ी नैतिकता की बातें करती थी, और वो सारी नैतिकता की बातें सारा उल्ट काम कर रही उसके, यानी कि जो भी बात करती थी चाहे वो भ्रष्टाचार की थी चाहे किसी प्रकार की थी, हर चीज़ के उल्ट है, जो भी बात उन्होंने कही उसके उल्ट काम कर रही। तो ये काम भी मैं समझता हूँ नैतिकता के बिल्कुल उल्ट है, जिसको कह रहे कि हम जेल से चलाएंगे सरकार, तो ये कोई नैतिक अधिकार नहीं है उनके पास। नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री हरियाणा का बनाया गया है, राजनीतिक घटना चक्कर जिस प्रकार से हरियाणा का बदला है एकाएक, इसके बारे में आपकी राजनीतिक टिप्पणी क्या है? देखिए, तो हाईकमान का फैसला है, और माननीय मनोहर लाल जी ने भी एक दो बार पहले जिक्र किया था ऐसा, और मेरे सामने भी इस प्रकार का जिक्र एक बार उन्होंने किया था इस प्रकार का, कि भी नेतृत्व को अब नया व्यक्ति देखना चाहिए, एक ही व्यक्ति सारे टाइम नहीं काम कर सकता, हर आदमी की टाइम है। तो मैं समझता हूँ उनकी शायद बात ऊपर नेतृत्व के साथ हुई होगी, वो जो भी परिवर्तन हुआ उनको ही ज़्यादा ज्ञान है उसके बारे में, तो वो सारा सोच विचार करके ही परिवर्तन किया होगा। आपके पुराने साथी हैं अंबाला छावनी से विधायक अनिल विज, जिस प्रकार से मंत्रिमंडल से उनकी दूरी रही, उस पर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, उनका अपना विचार है, पार्टी उनको
शामिल करना चाहती थी, लेकिन वो शामिल नहीं हुए, लेकिन वो पार्टी के साथ हैं और बड़ी मजबूती के साथ पार्टी के साथ हैं। पंजाब में जिस प्रकार से बीजेपी का ग्राफ एकाएक बढ़ रहा है, 13 की 13 लोकसभा सीटों पर बीजेपी कह रही है कि हम चुनाव लड़ेंगे, बिट्टू जो सरदार बेअंत सिंह शहीद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके परिवार के सदस्य अब बीजेपी के साथ हैं। देखिए बिट्टू जी, जिस प्रकार की राष्ट्रवादी बात करते रहे लंबे टाइम से, मैं तो बहुत लंबे टाइम से उनका इंतजार कर रहा था कि बीजेपी में आए क्यों नहीं अब तक, क्योंकि इस प्रकार की बातें रहे कि कांग्रेस में नहीं रह सकता कोई व्यक्ति, वो बड़ी राष्ट्रवादी बात करता है, हमेशा देश की बात करता है और जो लोग गलत काम करते हैं उनकी आलोचना करता है। मैंने कई बार देखा, चाहे किसान आंदोलन की बात भी थी तब भी मैंने उनको देखा है कि जो सही बात है वो सही कहता है। तो मैं पहले भी हैरान था कि ये आदमी कांग्रेस में है कैसे। तो बहुत बहुत स्वागत है उनका, बहुत अच्छे, उनका जो इतिहास है परिवार का बहुत अच्छा है, तो मैं तो उनका स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छा व्यक्ति है पार्टी बनाने के लिए। धन्यवाद। ये हैं कंवरपाल गुज्जर, कृषि व पर्यटन मंत्री हैं, और इनका कहना है कि करनाल सीट से मनोहर लाल पिछली बार से जो संजय भाटिया जितने मार्जिन से जीते थे उससे ज्यादा मार्जिन से विक्ट्री उनको मिलेगी। उसका अहम कारण ये है क्योंकि मनोहर लाल ने बतौर मुख्यमंत्री हरियाणा का जो डेवलपमेंट काम किया, जो विकास के कार्य किए, जो गति दी, पारदर्शिता से नौकरियां दी, मनोहर लाल जी की छवि को देखते हुए लोग वोट देंगे, मतदान करेंगे। और जिस प्रकार पंजाब में बिट्टू राष्ट्रवादी विचारधारा के चलते बीजेपी में शामिल हुए, गुजर साहब कह रहे हैं कि उनका इंतजार तो वो काफ़ी दिनों से कर रहे थे क्योंकि उनके कई वक्तव्य उन्होंने देखे और सुने। जिस व्यक्ति की राष्ट्रवादी सोच हो वो भाजपा में निसंदेह उसका हर टाइम स्वागत है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।